लेट्स कंटिन्यू विद ट्रांसफर प्राइसिंग। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था नीड्स ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस की नीड पढ़ी थी, सेक्शन 92 पढ़ा था, सेक्शन 92 बी पढ़ा था और सेक्शन 92 ए पढ़ा था। तो एक हम क्विकली इसको रिवाइज करते हैं एक बार। ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस लाने की इनकम टैक्स में ज़रूरत क्या थी? मल्टीनेशनल ग्रुप्स क्या करते थे? आपस में ट्रांजेक्शन को मैनिपुलेट करके ऐसी कंट्री में अपनी इनकम को कम दिखाते थे जहाँ पर टैक्स की रेट हाई थी, और ऐसी कंट्री जहाँ पर टैक्स की रेट लो है वहाँ पर अपनी इनकम को ज़्यादा बताते थे, जिससे उनको टैक्स कम पे करना पड़े। तो इसलिए सभी कंट्री ने ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविजंस को लाया। और सेक्शन 92 चार्जिंग सेक्शन है ट्रांसफ़र प्राइसिंग का, जो बोलता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो दो या दो से अधिक एसोसिएट इंटरप्राइजेस के बीच में होंगे वो क्या होंगे? आर्म लेंथ प्राइस पे होंगे। आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है? प्राइस जो अगर कोई दो अनरिलेटेड पार्टी आपस में ट्रांजेक्शन करे तो वो प्राइस जो होगा वो आर्म लेंथ प्राइस होगा। तो ये आर्म लेंथ प्राइस होता है। अगर आर्म लेंथ प्राइस की एडजस्टमेंट से इनकम डिक्रीज होती है या आपके लॉसेज इंक्रीज होते हैं तो आपको ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविजंस को इग्नोर करना होगा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट में पढ़ा 92 बी, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट इंटरप्राइजेज आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेजिडेंट। कम से कम एक एंटिटी क्या होनी चाहिए आपकी? नॉन रेजिडेंट होनी चाहिए। डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स, एक कंपनी ने अपनी दूसरी एसोसिएट इंटरप्राइजेज के साथ ट्रांजेक्शन ना करके किसी थर्ड पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन किया तो उस ट्रांजेक्शन को भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मान लिया जाएगा। कब? अगर उस थर्ड पर्सन और उस एसोसिएट इंटरप्राइजेज के बीच में कोई प्रायर एग्रीमेंट था और टर्म्स जो थे ना उस एग्रीमेंट के वो डिसाइड कर रही थी वो एसोसिएट इंटरप्राइजेज। अब सेक्शन 92 ए में हमने पढ़ा था एसोसिएट इंटरप्राइजेज की डेफिनेशन, मतलब मीनिंग क्या है। तो हमने पढ़े थे बहुत सारे केस कि किस किस केस में कुछ रिलेशन, एसोसिएट इंटरप्राइजेज का मतलब था रिलेशन, कि कोई ना कोई रिलेशन है दो इंटरप्राइजेज के बीच में जिससे वो ट्रांजेक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो कुछ दो रिलेशन पढ़े हमने शेयर होल्डिंग के बीच में। अगर एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के मोर देन 26% वोटिंग राइट रखती है तो दोनों आपस में एसोसिएट इंटरप्राइज बन जाएंगी। या फिर कोई थर्ड पर्सन दोनों में मोर देन 26% वोटिंग पावर रखता है दोनों एंटिटी में तो दोनों एंटिटी आपस में एसोसिएट इंटरप्राइज मानी जाएंगी। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के बेस पे, अगर एक एंटरप्राइजेज दूसरी एंटरप्राइजेज में मोर देन हाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करती है या फिर एटलीस्ट वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करती है तो दोनों एंटरप्राइजेज आपस में एसोसिएट इंटरप्राइज मान ली जाएंगी। या फिर कोई थर्ड पर्सन दोनों में मोर देन हाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है या एक एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करता है तो दोनों एंटरप्राइजेस क्या मान ली जाएंगी आपस में? एसोसिएट एंटरप्राइजेस। अब लोन के बेसिस में, एक एंटरप्राइजेस दूसरी एंटरप्राइजेस को लोन देती है और वो लोन कितना देती है? उसकी टोटल असेट्स का 51%, जो लोन रिसीव कर रही है उसकी जो टोटल असेट है उसका 51% या उससे ज़्यादा का लोन दे देती है तो दोनों एंटरप्राइजेस आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मान ली जाएंगी। अब एक दूसरी कंडीशन बोलती है एक एसोसिएट इंटरप्राइजेज दूसरी एसोसिएट इंटरप्राइजेज की जो बोरिंग्स है ना उसकी एटलीस्ट 10% और मोर बोरिंग का क्या करती है? गारंटी देती है। तो दोनों एंटरप्राइजेज आपस में एसोसिएट इंटरप्राइज मान ली जाएंगी, यानी कि रिश्तेदार मान ली जाएंगी। अब तीन कंडीशन थी हमारी बिजनेस रिलेशनशिप के बेस पे। पहला, जो एक इंटरप्राइजेज का बिजनेस है ना वो डिपेंड करता है कॉपीराइट, नो हाउ, पेटेंट पे। दूसरी एंटरप्राइजेस के कॉपीराइट, नो हाउ और पेटेंट पर, तो दोनों एंटरप्राइजेस आपस में क्या मान ली जाएंगी? एसोसिएट एंटरप्राइजेस। अब दूसरी कंडीशन इसी में थी, जो एक एंटरप्राइजेस की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है ना उसका 90% और मोर कौन पूरा करता है? दूसरी एंटरप्राइजेस, और जो सप्लाई है ना वो भी दूसरी एंटरप्राइजेस इन्फ्लुएंस करती है। अब कंडीशन नंबर 3 थी इसमें, जो एक एंटरप्राइजेस गुड्स मैन्युफैक्चर करती है ना
वो दूसरी एंटरप्राइजेस को सेल करती है, और जो प्राइस एंड कंडीशंस डिसाइड करती है वो भी दूसरी एंटरप्राइजेस डिसाइड करती है। अब बेस्ड ऑन कंट्रोल, दो कंडीशन हमारी बेस्ड ऑन कंट्रोल थी। अब एक एंटरप्राइजेस को क्या कर रहा है, इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है, और दूसरी एंटरप्राइजेस को या तो इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है या उसका रिलेटिव कंट्रोल कर रहा है, तो वो दोनों एंटरप्राइज आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएंगी। और दूसरी कंडीशन बोलती है एक एंटरप्राइजेस को एच यू एफ मैन कंट्रोल कर रहा है और दूसरी एंटरप्राइजेस को आइदर मेंबर ऑफ एच यू एफ या फिर रिलेटिव ऑफ सच मेंबर कंट्रोल कर रहे हैं जॉइंटली या फिर सेपरेटली, तो दोनों एंटरप्राइजेस आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मान ली जाएंगी। उसके बाद हमने देखा बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एक एंटरप्राइजेस क्या है, एक एंटरप्राइज 10% का इंटरेस्ट या पीएसआर रखती है दूसरी एंटरप्राइजेस में, जो क्या हो सकती है पार्टनरशिप फर्म एओपी बीआई, तो दोनों आपस में क्या मान ली जाएंगी एसोसिएट एंटरप्राइजेस, या फिर दो एंटरप्राइजेस के बीच में रिलेशन है कोई भी म्यूचुअल इंटरेस्ट का। इसका एग्जांपल हमने लिया था जॉइंट वेंचर, यहाँ तक हमने उस दिन पढ़ा था। अब इसके आगे हम सेक्शन पढ़ेंगे 92C कॉम्पिटिशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। तो शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 92C आर्म लेंथ प्राइस। आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है, आर्म लेंथ प्राइस इज ए प्राइस विच इज अप्लाइड और परपोज टू बी अप्लाइड इन अ ट्रांजेक्शन बिटवीन पर्सन अदर देन एसोसिएट एंटरप्राइजेस इन अनकंट्रोल कंडीशंस। इंडिपेंडेंट पार्टीज के बीच में जिस ट्रांजेक्शन पे, जिस प्राइस पे ट्रांजेक्शन होता वो प्राइस क्या बन जाएगा, आर्म लेंथ प्राइस। दो इंडिपेंडेंट पार्टी अगर आपस में ट्रांजेक्शन करें और वो जिस प्राइस पर ट्रांजैक्शन करेंगी उसको हम आर्म लेंथ प्राइस बोलेंगे, ठीक है। 92C, सेक्शन 92C डील्स करता है डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। ये डिफरेंट मेथड्स बताता है कि इन प्राइसेस आप आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो। मेनली ये पांच मेथड्स बताता है, अनकंपेरेबल जो ऐसे हैं, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड जिसको हम कप मेथड भी बोलते हैं, और ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड एंड ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, जो हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है TNMM। और ये जो मेथड इस सेक्शन ने बताए इसके अलावा भी बोर्ड CVDT और मेथड्स बता सकती है, ठीक है। अब हम एक एक मेथड को डिटेल में पढ़ते हैं। कप मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है हम कोई अनकंट्रोल प्राइस लेंगे, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस लेंगे। इस मेथड में क्या किया जाता है, प्राइस चार्ज और पेड फॉर प्रॉपर्टी ट्रांसफर सर्विस प्रोवाइडेड अंडर एनी कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड। हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन जो एसोसिएट एंटरप्राइजेस के बीच में, एक फॉर एग्जाम्पल ये एसोसिएट एंटरप्राइजेस वन है और ये एसोसिएट एंटरप्राइजेस टू है, ये US की है, ये इंडिया की है, इसने इसको गुड्स सेल किया किसी भी प्राइस पे किया, और इसने इस एक जेड लिमिटेड को भी गुड सेल किया, तो इसमें जो ट्रांजैक्शन, इसमें जो प्राइस यूज हुआ है गुड्स का वो क्या मान लेंगे हम, आर्म लेंथ प्राइस, क्योंकि हमारे पास कंपेयर करने के लिए एक दूसरा सेम ट्रांजैक्शन है। एक एसोसिएट एंटरप्राइज सेल कर रही है, इस वाली एंटरप्राइज जो अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को सेल कर रही है, उसके अलावा किन्हीं थर्ड पार्टीज़ को भी सेल कर रही है, तो जो थर्ड पार्टीज़ को सेल कर रही है उसको हम बोलेंगे कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन। हम क्या करेंगे, जो इसका ट्रांजेक्शन, ये वाला ट्रांजेक्शन हुआ है ना, इसको इस वाले ट्रांजेक्शन से कंपेयर करेंगे कि जो इसमें प्राइस चार्ज किया है गुड्स का वही इसमें किया है या अलग किया है, तो इस सिचुएशन में ये वाला मेथड यूज़ होगा।
कप मेथड कब लगेगा? जब एक एंटरप्राइजेस के बीच में अगर दो एंटरप्राइजेस आपस में ट्रांजैक्शन कर रही हैं, लेकिन वो एसोसिएट एक उनमें से जो एसोसिएट एंटरप्राइज है वो सेम ट्रांजैक्शन किसी थर्ड पर्सन या अनरिलेटेड पर्सन के साथ भी कर रही है, तो इस सिचुएशन में हम कप मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल आईसीए वाला देखते हैं। एक यूएस लिमिटेड एक क्या है, यूएस लिमिटेड इज यूएस यूएस की कंपनी है एंड यूएस लिमिटेड एक यूएसए की कंपनी है जिसकी सब्सिडरी इंडिया में है। इंडिया लिमिटेड यूएस सेल करती है, ठीक है, यूएसए की सब्सिडरी है इंडिया में और ये इसको सेल करती है कंप्यूटर्स टू इंडिया फॉर अ रीसेल इन इंडिया, ठीक है। यूएस वाली कंपनी जो है कंप्यूटर सेल करती है इंडिया वाली कंपनी को फॉर रीसेल, ये कंपनी क्या करती है इसको आगे रीसेल कर देती है इंडिया में, आगे इंडिया में रीसेल कर देती है। कंपनी क्या करती है, अब यूएस लिमिटेड क्या करता है, ऑल्सो सेल कंप्यूटर टू सीएम लिमिटेड, सीएमआई लिमिटेड अनदर कंपनी फॉर रीसेलर, ठीक है। अब ये यूएस वाली कंपनी क्या है, इंडिया को वाली अपनी सब्सिडरी को तो सेल करती है, ये दोनों सब्सिडरी हैं तो मतलब इस कंपनी का इस कंपनी में 50% की क्या है शेयर होल्डिंग है, तो यानी कि 26% से ज़्यादा है, तो ये दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइजेस हो गई इंडिया और यूएस वाली तो। लेकिन एक सीएमआई है ये इसको भी रीसेल के लिए बेचती है कंप्यूटर। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ ये क्या करता है, इट्स सेल 50,000 कंप्यूटर मॉनिटर टू इंडिया लिमिटेड एट 11,000, 50,000 कंप्यूटर बेचती है इंडिया लिमिटेड को 11,000 रुपये पर यूनिट पर एंड प्राइस फिक्स फॉर सीएमआई इज रुपीस। लेकिन सीएमआई जो थर्ड अनरिलेटेड पार्टी है उसको क्या करती है, ये यही कंप्यूटर 10,000 में बेचती है पर यूनिट और इसको 11,000 रुपये में पर यूनिट बेचती है। हाउएवर अब उसके बाद बोला वारंटी इन केस ऑफ सेल ऑफ मॉनिटर बाय इंडिया लिमिटेड इज हैंडल्ड बाय इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब जो ये रीसेल करेगी ना इंडिया लिमिटेड, तो इसके जो कंप्यूटर की वारंटी है ना वो इंडिया लिमिटेड खुद ही हैंडल करेगी, मतलब खुद ही उसका लिए पे करेगी अगर कुछ भी होता है। लेकिन जो सेल ऑफ मॉनिटर बाय सीएमआई लिमिटेड है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी ये कंपनी। अब ये कंपनी सीएमआई लिमिटेड आगे इस कंप्यूटर को रीसेल करती है तो उसकी जो वारंटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी ना वो यही कंपनी रहेगी। थ्री मंथ्स की वारंटी देगी जिसमें ये बोथ यूएस लिमिटेड एंड इंडिया लिमिटेड ऑफर एक्सटेंडेड वारंटी एट ए स्टैंडर्ड रेट ऑफ 1,000 पर एनम। अब क्या करते हैं, यूएस वाली कंपनी जो है और जो उसकी सब्सिडरी इंडिया में है दोनों एक्सटेंडेड वारंटी देते हैं एक साल की 1,000 रुपये के, 1,000 रुपये चार्ज करके। ऑन दिस फैक्ट हाउ असेसमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। हमें यूएस लिमिटेड से मतलब नहीं है, इंडिया की कंपनी से मतलब है जो उसकी सब्सिडरी है। ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस ना तो यूएस लिमिटेड पर लगेंगे ना ही सीएमआई लिमिटेड पर लगेंगे, क्योंकि सीएमआई लिमिटेड क्या है एसोसिएट इंटरप्राइजेस नहीं है यूएस लिमिटेड की, इसलिए उस पर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। लेकिन इंडिया लिमिटेड क्या है उसकी सब्सिडरी कंपनी है तो उस पर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस लगेंगे और उसके लिए आपको उसका आर्म लेंथ प्राइस कंप्यूट करना पड़ेगा। हाउ असेसमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो अब हम इसमें आर्म लेंथ प्राइस कंप्यूट करते हैं। कंप्यूट आर्म लेंथ प्राइस, तो सिमिलर ट्रांजैक्शन है हमारे पास यूएस सीएमआई लिमिटेड और यूएस लिमिटेड के बीच में, तो यहाँ पर कप मेथड लग सकता है, ठीक है।
देयर इज ए सिमिलर ट्रांजेक्शन बिटवीन US Limited and CMI Limited. Therefore, cup method can be applied. अब आपको क्या लेना है, सबसे पहले ना आपको बेस जो बनाना है वो अनकंट्रोल प्राइस को बनाना है. अनकंट्रोल प्राइस कौन सा है, जो अनरिलेटेड पार्टीज़ के बीच में हुआ. अनरिलेटेड पार्टीज़ आपकी US और CMI, यानी कि आपको 10,000 लेना है. प्राइस चार्ज इन अनकंट्रोल अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन ₹10,000 चार्ज किया. लेकिन इस 10,000 में क्या है, जो हमने एक लाइन पढ़ी थी यहाँ पे वारंटी वाली, वारंटी इंडिया लिमिटेड के केस में क्या है, इंडिया लिमिटेड खुद ही हैंडल करेगा. लेकिन CMI को जो सेल करेगा US लिमिटेड, उसमें जो वारंटी की लाइबिलिटी आएगी ना, वो US लिमिटेड पे आएगी. तो ये जो प्राइस उससे चार्ज कर रहा है ना, इसमें वारंटी का अमाउंट इंक्लूडेड है. और लेकिन जो 11,000 उससे चार्ज कर रहा है, इसमें वारंटी सिर्फ इंक्लूडेड नहीं है. वारंटी कौन पे करेगा, रिस्पॉन्सिबल वो है. लेकिन ये 10,000 जो चार्ज किया है, इसमें इसने वारंटी के पैसे भी चार्ज किए होंगे. और हमने देखा कि वारंटी दोनों ऑफर करते हैं, एक्सटेंडेड वारंटी देते हैं दोनों, ₹1,000 पर एनम पर. और क्या कहते हैं, अब इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 11,000 के कंपेरेबल बनाने के लिए इसमें से वारंटी का अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वारंटी का अमाउंट इंक्लूड है. लेकिन इसमें वारंटी का अमाउंट इंक्लूड नहीं है 11,000 में, तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. एडजस्टमेंट फॉर वारंटी एक साल की वारंटी ₹1,000 पर है, और 3 महीने की वारंटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, US लिमिटेड. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 250 माइनस कर दो 10,000 में से, तो ये आ गया 9,750. लेकिन कंपनी ने कितना प्राइस चार्ज किया, सॉरी अपनी एसोसिएट एंटरप्राइजेस, तो उसने आर्म लेंथ प्राइस ये हो गया हमारा, ठीक है. कायदे से जो इसको US लिमिटेड को क्या प्राइस चार्ज करने था, चाहिए था इंडिया लिमिटेड से 9,750, लेकिन इसने 11,000 चार्ज किया है. मतलब इसने अपने एक्सपेंस बढ़ा लिया इंडिया में, जिससे इसकी सेल कम हो गई होगी, जिससे इसके प्रॉफिट कम हो गया होगा, इसलिए इसने इसको ज़्यादा पर महंगे पर बेचा है. तो इसकी एडजस्टमेंट ऐसे होगी, एडिशन करना पड़ेगा आपको इसकी इनकम में, एडिशन टू इनकम ₹11,000 माइनस 11,000 माइनस 1,250, ₹1,250 से हमें क्या करना पड़ेगी, इंडिया वाली कंपनी की इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, उसके प्रॉफिट में ऐड कर देंगे. तो अब इसका एक बार सॉल्यूशन देखते हैं, ICAI ने जो दिया है. ICAI ने क्या सॉल्यूशन दिया इसका, US लिमिटेड क्या है, एक फॉरेन की कंपनी है, एंड इंडिया लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जो एसोसिएट इंटरप्राइजेस है, क्योंकि होल्डिंग और सब्सिडी का रिलेशनशिप है इनके बीच में, एंड सेल करता है कंप्यूटर टू इंडिया लिमिटेड को, ठीक है, फॉर रीसेल पर्पस. एंड US लिमिटेड ऑल्सो सेल करता है आइडेंटिकल कंप्यूटर टू CMI लिमिटेड, विच इज़ अ नॉट एसोसिएट इंटरप्राइज, क्योंकि वो एसोसिएट इंटरप्राइज नहीं है. दोनों एसोसिएट इंटरप्राइज के साथ भी उसका ट्रांजैक्शन सिमिलर नेचर का है, और अदर पार्टीज़ के साथ भी है. तो
प्राइस चार्ज बाय यूएस लिमिटेड फॉर अ सिमिलर ट्रांजेक्शंस इन कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन इज देयर फॉर आइडेंटिफाइबल एंड कप मेथड इज फॉर डिटरमाइन कैन बी अप्लाइड। अब इन्होंने कैलकुलेशन क्या किया, देखिए सेल प्राइस चार्ज बाय यूएस लिमिटेड टू सीएमआई लिमिटेड, यानी कि अनकंट्रोल प्राइस को आपको बेस बनाना है। उसने अनरिलेटेड पार्टी से कितना चार्ज किया, 10,000 रुपये चार्ज कर रहा है वो, लेकिन उसमें क्या कर रहा है वो, वारंटी का जो है ना, वारंटी भी उसी की जिम्मेदारी है, वारंटी भी उसी की जिम्मेदारी है, तो मतलब इसमें प्राइस में इंक्लूड किया हुआ इसने वारंटी का पैसा भी, तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा वारंटी का, कॉस्ट ऑफ वारंटी इंक्लूडेड इन प्राइस टू सीएमआई लिमिटेड, जो 1,00,000 रुपये पूरा एनुअली एनुअल प्राइस है वारंटी का, उसमें से 3 महीने का आपको माइनस करना है 250 रुपये, तो ये आम लेंथ प्राइस आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल प्राइस जिस पे ट्रांजेक्शन हुआ है एसोसिएट एंटरप्राइजेस के बीच में वो 11,000 है, तो डिफरेंस पर यूनिट आ गया 1,250। अब 1,250 में आपको एडिशन टू बी मेड इन कंप्यूटर, 50,000 यूनिट बेची है इसने टोटल, तो 1,250 × 50,000, ठीक है, 1,250 × 50,000, इतने हज़ार की इनकम उसकी, यानी कि 6,25,00,000 की इनकम उसको ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। हमारा पहला मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।